गुड मॉर्निंग। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये आपका पेपर थर्ड है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें अभी तक हमने बेसिक फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट और उसके बाद हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस यानी गैमिट्स का बनना, फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट का बनना, उसके बाद हमने पढ़ा क्लीवेज कि जायगोट में किस तरह से डिविजन्स होते हैं और खूब सारी सेल्स बन जाती हैं विदलन, विदलन यानी कि छोटी छोटी कोशिकाओं का बनना। और आज हम पढ़ रहे हैं ब्लास्टुला। तो विदलन के फलस्वरूप जो जायगोट है वो छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इन कोशिकाओं की जो कोरखंड या ब्लास्टोमियर्स इनको हम कहते हैं, इस अवस्था को ब्लास्टुला कहा जाता है। इसके पश्चात भी जो सेल डिवीज़न है वो जारी रहता है। शुरू में ये ब्लास्टोमियर्स गोल आकृति के होते हैं, परंतु कुछ समय बाद जो ब्लास्टोमियर्स की सतह है पारस्परिक बल के कारण चपटी हो जाती है, क्योंकि जब लगातार क्योंकि आकार तो बढ़ नहीं रहा जायगोट का और कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, तो जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकी जो एक जो सतह है दो कोशिकाओं की वो आपस में एक दूसरे को छूने लग जाएंगी और दबाव पड़ने से वो सतह चपटी हो जाएगी। परंतु जो भीतरी स्वतंत्र सतह है वो गोलाकार ही रहती है। इस प्रकार ये जो ब्लास्टोमियर्स या कोरखंडों का जो समूह है वो बाहर से शहतूत के समान दिखाई देता है। भ्रूण की इस अवस्था को हम मोरूला कहते हैं। अधिकतर वर्टिब्रेट्स में मोरूला अवस्था नहीं पाई जाती क्योंकि ब्लास्टोसील विदलन की प्रारंभिक अवस्था में ही विकसित हो जाती है। वास्तविक मोरूला भ्रूण की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें भ्रूण ठोस व गोल आकृति का होता है। मोरूला अवस्था सिलेंट्रेट में पाई जाती है। अधिकतर जंतुओं में विदलन के फलस्वरूप बने ब्लास्टोमियर्स परिवर्धनशील भ्रूण की परिधि पर एक स्तर में विन्यासित या अरेंज हो जाते हैं, और पेरिफरी यानी कि परिधि पर स्थित ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनके स्तर को या लेयर को हम कहते हैं कोरक चर्म और ब्लास्टोडर्म। इन कोरक खंडों के मध्य दरारों के रूप में सक्रिय गुहा का विकास होता है। जैसे जैसे विदलन यानी कि क्लीवेज आगे बढ़ता है यह गुहा बड़ी होती जाती है और इस गुहा को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। इस तरह यह गोलाकार खोखली भ्रूणीय संरचना ब्लास्टुला कहलाती है और इसके जो निर्माण की क्रिया है वो ब्लास्टुलेशन कहलाती है। इसके बाद अब हम आते हैं अलग अलग प्रकार के ब्लास्टुला। उससे पहले बार बार विदलन के फलस्वरूप ब्लास्टोमियर्स एक ठोस गेंद यानी कि कोशिकाओं की बन जाती है जिसे हम मोरूला कहते हैं। कुछ और क्लीवेज के बाद ये ब्लास्टोमियर्स अंडे की परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं। परिधि पर स्थित इन कोरखंडों यानी कि ब्लास्टोमियर्स के स्तर को ब्लास्टोडर्म कहते हैं। केंद्रीय भाग में द्रव से भरी एक गुहा बन जाती है, इस गुहा को हम ब्लास्टोसील कहते हैं और ये जो रचना है ये ब्लास्टुला कहलाती है। और ब्लास्टुला बनने की जो विधि है उसको हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला यानी कि ब्लास्टुलेशन इन आइसोलेसिथल एग, सम पीत की अंडे जिनमें